ये है म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे इन दिनों किसी भी मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। पहला है कि कपिल शर्मा के शो पे अपीयरेंस और दूसरा है एक पॉपुलर हिंदी गाना। और शायद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी यही सोच रहे थे जब उनका ये गाना रिलीज हुआ था, केसरिया तेरा इश्क है पिया। जब इस गाने का टीजर रिलीज हुआ तो कई लोग बहुत खुश थे। इंटरनेट पर कई लोग थे जो डिमांड कर रहे थे कि इस गाने का फुल वर्जन जल्दी रिलीज किया जाए। और फिर 2 महीने बाद फुल वर्जन रिलीज हुआ, पर लोगों के रिएक्शन अब थोड़े बहुत चेंज हो गए। है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी यहां केसरिया। ऐसे मीम से बेसिकली क्लियर हो गया था कि टीजर एक्चुअली इस गाने का बेस्ट पार्ट था। राइटर दीपांश दुग्गल ने बोला कि ऐसा नहीं था कि गाना बहुत खराब था, बल्कि जो टीजर से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ी वो फुल वर्जन एक्चुअली मैच नहीं कर पाया। और उसके पीछे एक कारण है कि अब कई म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ज्यादा फोकस बस एक गाने के छोटे से पार्ट पर डाल रहे हैं, चाहे पुरानी कवाली के रीमिक्सेस हों या फिर नए पॉप सॉन्ग्स। इन गानों में एक पार्ट होता है जो 15 से 30 सेकंड का होता है, जिसमें इंटरेस्टिंग लिरिक्स भी होते हैं और एक म्यूजिकल एलिमेंट होता है, हुक या फिर ड्रॉप। और बॉलीवुड म्यूजिक में हमें एक कॉमन ट्रेंड दिख रहा है जिसको कहा जाता है टिकटॉकिफिकेशन। अब चाहे इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, पर टिकटॉकिफिकेशन अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। टिकटॉकिफिकेशन है जब बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अपना ज्यादा एफर्ट गाने के छोटे से भाग पर डालते हैं। और वो ऐसा करते क्यों है? उस सॉन्ग को वायरल करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स पर, जिसकी वजह से जो बॉलीवुड का म्यूजिक है वो चेंज हो रहा है। और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। दो साल पहले इंडिया में टिकटॉक सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप थी, पर जुलाई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और उसके बाद इंस्टाग्राम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स बन गई। इसके दो कारण थे। पहला कारण था रील्स, जो 15 सेकंड के वीडियोस लॉन्च करे इंस्टाग्राम ने, पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। और दूसरा कारण था कि इंस्टाग्राम की जो स्मार्ट एल्गोरिथम थी वो समझ सकती थी कि आप कैसे वीडियोस देखते हो और उस डेटा को यूज करके वो आपको और ऐसे ही वीडियोस रेकमेंड करती। अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए अपन को, ऐसा कुछ ला जो आंख पे लगे। एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला। ये रील्स का फॉर्मेट इतना पॉपुलर हो गया कि फेसबुक और यूट्यूब ने अपने रील्स के वर्जन भी लॉन्च करे। और अगर आपको इंस्टाग्राम पर वायरल होना है तो आज की तारीख में रील्स को यूज करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इस अकाउंट को देखिए, जून 2020 में रील्स के लॉन्च होने से पहले इस अकाउंट के करीब 30,000 फॉलोअर्स हैं। एक साल के अंदर इनके हो गए 3 मिलियन फॉलोअर्स और आज है 13 मिलियन फॉलोअर्स। अगर आप सुपरस्टार देवसी के पोस्ट देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 17 रील्स पोस्ट करते हैं और बस एक फोटो। कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने यही स्ट्रैटेजी यूज करी है पिछले 2 सालों में, ज्यादा रील्स और कम पोस्ट। और ये इसलिए है क्योंकि अब इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम रील्स को ज्यादा फेवर करती है। उसमें एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब ऑलमोस्ट कि वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप पोस्ट डालो। वो इतनी लो एंगेजमेंट हो गई है कि उसका कोई पर्पस ही नहीं है। अब आप पूछोगे कि भला इंस्टाग्राम ऐसे क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये देखिए, करीब 20-30 साल पहले हमारा जो सोशल एंटरटेनमेंट था वो फेमिना जैसी मैगजीन्स को पढ़कर आता था, पर फेसबुक ने रियलाइज किया कि इस कंटेंट को इजीली मारा जा सकता है हमारे फ्रेंड्स के कंटेंट से। और हमारे फ्रेंड्स के कंटेंट को कौन डिफीट कर सकता है? ये मतलब इन्फ्लुएंसर्स। आफ्टर ऑल, क्या आपके फ्रेंड्स का कंटेंट आलिया भट्ट या फिर रणवीर सिंह के कंटेंट से मैच कर सकता है? Yeah, that's pretty true. That's true and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. और फिर इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को कौन हरा सकता है? पूरी दुनिया के लोग। बेसिकली टिकटॉक ने रियलाइज किया कि हम दुनिया के सारे लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स बना दें और आपकी फीड में वो कंटेंट रेकमेंड करें, तो उससे बढ़िया कंटेंट कुछ भी नहीं है। और टिकटॉक ने ऐसा ही किया। वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपके दोस्त कौन है या फिर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कौन है। टिकटॉक स्ट्रेट आपको वीडियोस देती है पूरी दुनिया से। तो फेमिना, फेसबुक फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स और फिर टिकटॉक, इसीलिए इंस्टाग्राम रील्स पर इतना फोकस डाल रहा है। पर एक प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देखिए।
अब ये वीडियो है किसी का जिनको आप जानते भी नहीं है, तो थोड़ा अटपटा जरूर लगता है ऐसे वीडियोस देखने में। तो ऐसे वीडियोस को हम फमिलियर कैसे बना सकते हैं? क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हाँ, म्यूजिक डाल के। जब आप एक रील देखते हो जिसमें एक गाना है जिसको आप जानते हैं, तो वो रील फिर आपके लिए एक फमिलियर फीलिंग पैदा कर देती है, इससे उसको देखना ज्यादा आसान हो जाता है। और ये चीज बस गाने ही नहीं करते बल्कि मीम्स। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रिया, वायरल डांसेस और पॉपुलर चैलेंजेस, इन सभी चीजों में मदद करते हैं। इसलिए रील्स को कैची गाने चाहिए, और अब सिचुएशन ये भी है कि गानों को भी रील्स चाहिए उनको वायरल होने के लिए। और रील्स का इम्पैक्ट बस नए गानों पर नहीं पड़ रहा, बल्कि पुराने गाने भी वायरल हो सकते हैं रील्स की वजह से। जैसे ये है अली जफर का गाना झूम, जो रिलीज हुआ था करीब 10 साल पहले 2011 में, पर सडनली मार्च 2022 में ये सॉन्ग वायरल होने लगा रील्स पर। और अली जफर ने एक फुल वीडियो री रिलीज किया अपने यूट्यूब चैनल पर। इनफैक्ट उनके ऑफिशियल वीडियो में वो एडमिट करते हैं कि कैसे रील्स की वजह से उनका गाना पॉपुलर हो रहा है। तो आप समझ गए हैं कि अब रील्स क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है बॉलीवुड गानों के लिए। और बॉलीवुड मूवीज के लिए गाने बस एक एडिशनल एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है अपनी मार्केटिंग के लिए। जैसे लिरिसिस्ट राजशेखर ने बताया कि कैसे सेंसेशनल म्यूजिक बहुत ही जरूरी है किसी भी मूवी की अच्छी वीकेंड ओपनिंग के लिए। रिसेंटली कई फिल्म रिलीज हुई हैं, जैसे सावरिया, दिलवाले या फिर रॉय, जिनको क्रिटिक्स की अच्छी रेटिंग नहीं मिली थी, पर उनकी सक्सेस के पीछे एक मेजर कारण था उनके गाने। और ये बस नए फिल्म या फिर नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं हो रहा, म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान के गानों को भी रीमिक्स किया गया है, और इस चीज के खिलाफ उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया है। And they don't even credit the original composer, so that was an annoying thing. और ये उनका ओपिनियन है, क्योंकि शायद वो ये मानते हैं कि उन्होंने एक साल से ज्यादा इस पर अपना टाइम बताया, तो ऐसे गानों को रीमिक्स नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है आप इस ओपिनियन से अग्री ना करें, पर हम सब इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ये ऑडियो बुक जरूर रेकमेंड करूंगा, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। इस ऑडियो बुक के अलावा आपको कई और ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी कुकू FM ऐप पर कई इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू FM की खास बात यह है कि उससे आप कई बुक्स पढ़ सकते हो बहुत कम टाइम पर, क्योंकि ये ऑडियो बुक्स है। इसके अलावा ये ऑडियो बुक सस्ती भी है, एनुअल प्लान है बस 399 रुपीज का, यानी कि करीब 1 रुपए पर डे की कॉस्ट के हिसाब से। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कूपन कोड MOHOK50 यूज करोगे। तो चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। अब सवाल उठता है कि म्यूजिक कंपोजर्स कैसे एक वायरल गाना बनाए रील्स के लिए। ये देखिए, ये है एक एवरेज गाने का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है मुखड़ा, और फिर आता है वर्स या फिर अंतरा। मुखड़ा और अंतरा मिलकर एक गाने का बिल्डअप बनाते हैं, और उसके बाद आता है कोरस या फिर हुक। शिवांश जिंदल, जो बॉलीवुड कंपोजर सलीम सुलेमान के लिए काम करते हैं, उन्होंने वॉइस को एक इंटरव्यू में बताया कि आजकल लोग मुखड़ा, अंतरा या फिर कोरस के लिए वेट नहीं करना चाहते, वो हर चीज 30 सेकंड में चाहते हैं। और सॉन्ग कंपोजर्स भी गाने इसी हिसाब से बना रहे हैं। जो गाने बनते थे उसमें जो मुखड़ा होता था, जिसको हम फेस ऑफ द सॉन्ग बोलते थे, वो भी 15 या 20 सेकंड का ही होता था। अभी भी 15 20 सेकंड का ही है, बस पहले जो होता था वो 15 20 सेकंड के अराउंड बाकी सारा गाना भी डेवलप किया जाता था। अभी लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर लोग 15 20 सेकंड ही सुन रहे हैं जो लोगों के याद रहने वाला है, तो उतना ही बना के डालो ना, तो आई डोंट थिंक वो उसमें कुछ गलत या सही है। और ये कैची पार्ट्स दो तरीके के हो सकती हैं। पहला है हुक लाइंस, सरिया तेरा, और दूसरा है ड्रॉप्स। और यही कैची गाने हैं जहाँ सॉन्ग प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे सिंगर श्रुति मिश्रा ने बताया कि कैसे हुक डिसाइड करता है कि एक गाना कितना रीलेबल है, और सिंगर्स और कंपोजर्स का पूरा फोकस बस रील्स पर ही है। जैसे केसरिया की टीजर की लेंथ थी 35 सेकंड्स, जो एक रील वीडियो की एवरेज लेंथ के बराबर है। अब ये गाना देखिए, इसको आप में से कई लोगों ने सुना होगा। श्रुति ने बताया कि कैसे पहला वर्स और कोरस 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है, और उस समय इंस्टाग्राम रील्स की लिमिट थी 60 सेकंड्स। तो ये पूरा फर्स्ट वर्स और कोरस एक रील में फिट हो सकता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है।
अब क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को बिल्डअप कम करना है, उसकी वजह से जो गानों की लेंथ है वो भी कम हो रही है। जैसे ये है 1983 का एक गाना और इस गाने की टोटल लेंथ थी 8 मिनट की, जबकि शेरनी की पूरी एल्बम जो 2021 में रिलीज हुई थी वो थी बस 7 मिनट। और इंस्टाग्राम जानता है कि अब बॉलीवुड में एक छोटे म्यूजिक का ट्रेंड है, इसी वजह से 3 महीने पहले उन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया 1 मिनट म्यूजिक का, जहां वो कई आर्टिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर 1 मिनट के गाने रिलीज करने के लिए। और ये काम कर रहा है। गहराइयां के 2 म्यूजिशियंस ने ये गाना रिलीज किया था इस कैंपेन के अंडर। इस गाने पर 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं। अब कई सिंगर्स ने कहा है कि वो इस ट्रेंड के खिलाफ है कि रील्स म्यूजिक का एक बेंचमार्क नहीं हो सकती, पर कई दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंडस्ट्री को ये ट्रेंड एक्सेप्ट करना होगा। आई थिंक नथिंग कैन डाउनग्रेड द लेवल ऑफ म्यूजिक बिकॉज देर आर नो फिक्स्ड पैरामीटर्स टू जज विच म्यूजिक इज सुपीरियर और विच म्यूजिक इज इन्फीरियर। देर कांट बी एनी फिक्स्ड रूल्स टू डिफाइन व्हाट म्यूजिक इज गुड और बैड, सो देर कांट बी एनी थिंग दैट विल डिग्रेड द म्यूजिक। Also, there are many composers who do realize, mature composers and creators, that this format is different, this consumption style is only different, and it works for that particular style. That does not mean people have started stopped listening to long format songs or old songs or songs by those creators. It only means that every consumption style and every format has their own audience. According to that, it works for them, and all kinds of music can coexist. ये वही argument है जो हम कई बार cricket में भी सुन चुके हैं कि T20 तो बहुत बेकार format है, test cricket actually original cricket है। पर जैसे हम different cricket formats को compare नहीं कर सकते, वैसे ही हमें म्यूजिक को कंपेयर नहीं करना चाहिए डिफरेंट एरास से, और हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि म्यूजिक भी ऐसी चीज है खाने की तरह जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। अब इस ट्रेंड की वजह से कई बार ऐसे भी गाने रिलीज होंगे जो हम पसंद नहीं करते, कितनों की लव स्टोरी, जबकि दूसरी बार ऐसे गाने रिलीज होंगे जो हम एक्चुअली पसंद करते हैं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो उसी वजह से हम अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। और आपके लिए एक और फन फैक्ट है, याद है हमने सोशल मीडिया की ये टाइमलाइन बात करी थी, और अभी हम टिकटॉक और रील्स की टाइमलाइन पर है जहाँ बेस्ट कॉन्टेंट है पूरी दुनिया का। गेस कीजिए उसके बाद कौन सा अगला स्टेप है। अगला स्टेप है जब कॉन्टेंट हम जैसे लोग नहीं बनाएंगे बल्कि AI बनाएगी। So hope you like this video. अगर आपको ये video अच्छा लगा कि Bollywood music कैसे change हो रहा है, तो शायद आपको ये video भी अच्छा लगेगा जो दिखाता है कि news media कैसे change हो रही है, जहाँ वो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही की कपड़ों के बारे में बात करती है।